What's up guys, welcome back to our channel. कैसे हाल चाल है आपके? प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे हो, बजट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, नवी मुंबई में ढूंढ रहे हो, तो बेस्ट वीडियो पे आ गए हो. सबसे पहले मैं कैमरा लेफ्ट साइड में घुमाने को बोलूंगा. ये आप सामने देख लो, ये है मेन रोड और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है हमारा नया कंस्ट्रक्शन नवी मुंबई पनवेल के अंदर. अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो आप देख रहे हो फिलहाल, ये प्रोजेक्ट के अंदर का ही गार्डन है जहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ. इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 1 BHK, 1.5 BHK, 2 BHK तीन तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, खास करके बजट के अंदर. इस प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीजें आपको बिल्कुल नजदीक में देखने को मिल जाएगी, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली बच्चों के लिए स्कूल हो. यहाँ पर जो रेंटल बेनिफिट है वो आपको सबसे जबरदस्त देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी रोड टच बिल्डिंग में ही रेंट पर रहने के लिए फ्लैट ढूंढता है. और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो रेंटल बेनिफिट आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर जबरदस्त देखने को मिलेगा. बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, टावर नंबर 1 ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर ले जाता हूँ, सैंपल फ्लैट भी मैं आपको दिखाता हूँ. बिल्डिंग के अंदर गार्डन, किड्स प्ले एरिया, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी आपको देखने को मिलता है. बहुत सारी बातें करेंगे, धूप बहुत ज्यादा लग रही है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है. फटाक से मैं अंदर लेके चलता हूँ और सारी बातें अंदर करेंगे. पहले हम लोग अंदर जाएंगे, उसके पहले ही आप यहाँ पर देख लो, बहुत सारी चीजें सिर्फ मुंह से बोलने से अच्छी नहीं होती है. मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, सिडको नैना अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है. जूम करके आप सारी चीजें देख सकते हो, प्लॉट नंबर, एरिया, सारा इन्फॉर्मेशन बिल्डर के रिलेटेड, हर एक चीज प्रोजेक्ट के रिलेटेड, सब कुछ आपको इस बोर्ड पे ही दिख जाएगा. सिडको नैना अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, इसका क्या डेट है सब कुछ आपको सामने दिखता है. अंदर भी मैं आपको लेके चलता हूँ, उसके पहले मैंने सोचा ये आप पॉज करके देख लेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी. प्रोजेक्ट का वॉक अराउंड करें तो सामने आप देख लो मेन रोड आपको दिखता है, उसके बगल में आप आओगे तो यहाँ पर आप देख लो गार्डन आपको दिख जाता है. यहाँ पर फिलहाल टेम्पररी डोर लगा के रखा है, इसके अंदर हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है. यहाँ पे हम लोग आएंगे, सामने आप देख लो मेन कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है और जो पीछे वाली बिल्डिंग है वो तो कंप्लीट हो चुकी है. यहाँ पे हम लोग अगर वॉक करेंगे तो आप ये देख लो पूरा बाउंड्री भी मारा हुआ है. इसके बिल्डिंग के बगल में ही एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर 250 लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, तो यहाँ पर डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो चुका है. यहाँ पर लाइन से प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, इसकी वजह से इस एरिया का डिमांड भी काफी ज्यादा है. प्रोजेक्ट के अंदर आया हूँ तो एक एक चीज आपको दिखाना जरूरी है, सिर्फ कुछ बातें करके सैंपल फ्लैट दिखाकर वीडियो बंद नहीं कर देंगे. ये आप देख लो आपका बिल्डिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके बगल में ही आप देखोगे ये जो पूरा एरिया है फिलहाल तो यहाँ पर लोगों को रहने के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए बनाया है, लेकिन ये जो स्पेस है ये आपको ओपन पार्किंग के लिए और सारी चीजों के लिए ये स्पेस देखने को मिलेगा. तो ये एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग नहीं है, इसके आसपास में आपको काफी अच्छा खासा ओपन स्पेस भी देखने को मिल जाता है. सेकंड, वीडियो के अंदर आप लोग आगे जाएं, उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ जबरदस्त ट्रेंड में चल रहा AI, इंडिया का सबसे पहला AI ऐप, हाउसा ऐप, जो कि AI की मदद से आपको जबरदस्त प्रॉपर्टी दिखाता है. ये चीज मैं आपको बताना चाहता था वीडियो के अंदर ताकि आगे आप इसका इस्तेमाल कर सके. बायर और जो सेलर है वो डायरेक्टली एक दूसरे को इस ऐप का यूज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, बायर और ब्रोकर एक दूसरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, बायर और ब्रोकर जितना चाहे उतनी प्रॉपर्टीज अपलोड कर सकते हैं. ये ऐप दूसरे आदमी के साथ सिर्फ आपका कॉन्टैक्ट डिटेल ही शेयर करता है, वो भी तब जब आप अग्री करो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करने के लिए. इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि इस ऐप पर जितने भी लोग आपको दिखेंगे वो एकदम जेन्युइन दिखेंगे, कोई भी फेक इंक्वायरी इस ऐप पर नहीं होती. इस ऐप के सबसे जबरदस्त फीचर्स है भाई कि आप अपने AI का इस्तेमाल करके ऐप के अंदर प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हो, यहाँ तक कि आपने जो प्रॉपर्टी सर्च करी है उसको सेव करके उसको वापस बाद में देख भी सकते हो. और उसके बाद जो मुझे सबसे पर्सनली फेवरेट लगा वो ये है कि इस ऐप के ऊपर आप अनलिमिटेड प्रॉपर्टी पोस्ट कर सकते हो. इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऐप को जाओ डाउनलोड करो, इसको यूज करो प्रॉपर्टी सर्चेस के लिए, बेस्ट ऐप है AI टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए. मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे सैंपल फ्लैट में. सैंपल फ्लैट अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है तो सारी चीजें आपको दिख रही है उसको बिल्कुल भी अवॉइड कर दो, क्योंकि जब फ्लैट मिलेगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं मिलेगा. हॉल का साइज यहाँ पर आप देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए.
यहाँ पर जो बैल्कनी है, बैल्कनी को आप पॉकेट टेरेस कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल बिल्डिंग में जो बैल्कनी देखने को मिलती है उससे काफ़ी बड़ी बैल्कनी है। हॉल का साइज आपने देखा ही, कॉमन पैसेज वाला एरिया आ गया, राइट साइड में अपना वॉशरूम बाथरूम है, लेफ्ट साइड में अपना किचन है। वॉशरूम बाथरूम का भी स्पेस काफ़ी बड़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे आपका किचन स्पेस है, किचन स्पेस में काफ़ी अच्छी जगह है जो कि आपको पूरी टाइलिंग वाइलिंग करा के मिलेगी और इसके अंदर भी आपको बैल्कनी देखने को मिलता है। तो हॉल में भी बैल्कनी और आपके किचन में भी सेम उतने ही साइज़ की बड़ी साइज़ की बैल्कनी। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे बेडरूम के अंदर। बेडरूम का स्पेस आप देख लो, ये मास्टर बेडरूम है बाय द वे। इसके अंदर आपको अटैच वॉशरूम बाथरूम देखने को मिलता है, ये सारी गोनी वोनी को अवॉइड करो। सामने आप देख लो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उसके पहले देख लो हॉल में बैल्कनी, किचन में बैल्कनी, लेकिन इस बेडरूम में आपको बैल्कनी नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि हर रूम में बैल्कनी नहीं मिल सकती। सामने मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये देख लो आपको अटैच्ड वॉशरूम बाथरूम के साथ आ जाता है। फिलहाल मैं आपको अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही खड़े होकर इसका कनेक्टिविटी भी समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि भाई कम भाड़े में कहीं से भी आना जाना हो जाए तो आपको यहाँ पर शेयरिंग रिक्शा इस प्रोजेक्ट के लिए खांडेश्वर चाहे पनवेल कहीं से भी मिल जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है खांडेश्वर और पनवेल दोनों भी स्टेशन इसके नजदीक में पड़ता है, तो शेयरिंग रिक्शा की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो घर में रहने वाले लोग होने वाले यानी कि हमारी फैमिली मेंबर्स, उनके लिए लोकल मार्केट प्रोजेक्ट के बगल में है। 250-300 फ्लैट के प्रोजेक्ट्स हमारे प्रोजेक्ट के बगल में ही है जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो काफी लोग यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे। उसके बाद लोकल मार्केट चाहिए भाई सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, तो वो सारी चीजें भी हमारे प्रोजेक्ट के बगल में ही है। उसके बाद जो डी मार्ट है जहां पर सारी चीजें सस्ते बजट में मिल जाती है, जैसे मैं आपके लिए बजट प्रॉपर्टी लेकर आता हूं वैसे डी मार्ट के अंदर आपको सब मिलता है, और डी मार्ट हमारे प्रोजेक्ट से 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे। कॉलेज स्कूल के बारे में भी बताता हूं, लेकिन उसके लिए फिलहाल नीचे उतरते हैं। ये वाला भी मैं आपको प्लान पूरा दिखा देता हूं। ये बिल्डिंग तो आपने देखे ही, पूरी की पूरी बन गई है। सामने आप देख लो ग्राउंड फ्लोर का काम कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद पहले फ्लोर का स्लैब लगने जा रहा है। उसके बाद सामने आपने देखा है गार्डन, वहां पर हम खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, और मैं आपको दिखा रहा हूं सामने आप देख लो ये जो प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बनकर सोल्ड आउट हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट पहले से ही हुआ हुआ है, और सामने आपको मेन रोड तो दिख ही रहा है। स्कूल, हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन, ये सारी चीजें तो प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ही, ये सारी चीजें हमारे प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी नजदीक में आपको मिल जाएगा, तो उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ ऐड करके, वो ये है कि अपने प्रोजेक्ट के बगल में ही, बगल में नहीं लेकिन अपने प्रोजेक्ट से नजदीक में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लोग बोलते हैं भाई हम बजट प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, हमारे लिए एयरपोर्ट किस काम का है? आपको ये समझना होगा कि जब आपके प्रोजेक्ट के नजदीक में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा, तो मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप उसमें जाकर ट्रैवल कीजिए, लेकिन जब एयरपोर्ट आपके बिल्डिंग से नजदीक होगा तो आपकी बिल्डिंग की जो वैल्यू है, जो उसका प्राइस है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रोजेक्ट के जस्ट बगल में आप देखोगे तो आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल देखने को मिलता है, ये आप देख लो ये सरकारी स्कूल है, और ये जो है स्टेशन के पास में हॉस्पिटल, बैंक्स, रेस्टोरेंट्स, जो भी जरूरत की चीजें हैं सब कुछ यहाँ पर है। वीडियो को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं वीडियो एंड करूँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका प्राइसिंग क्या है, क्योंकि वो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमारे पास 1 BHK, 1.5 BHK, 2 BHK सबके ऑप्शन अवेलेबल है। 1 BHK का जो स्टार्टिंग प्राइस है, फ्लैट कॉस्ट, वो 27 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। व्हाइट कॉलर बिजनेस का वीडियो देख के आ रहे हो, हमेशा की तरह आपको 1 रुपया भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा। आप साइट पे आओगे, फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस हमारी तरफ से होगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, नेगोशिएशन ऑन टेबल 100% हम आपके लिए करा के देंगे। फाइनली अब मैं आपको यही बोलूंगा, वापस से वही रोना धोना कि भाई सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियोस देख रहे हो तो एक बार वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो, उससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होती है, मानो या ना मानो। एनीवेज इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों तक, जिनको इस प्रॉपर्टी की जरूरत है इस बजट के अंदर, उन तक जरूर शेयर करें। तब तक अगली वीडियो में फिर से बजट प्रॉपर्टी लेकर आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।